एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक अंतर से दीवानी एक प्रेम दीवानी एक अंतर से दीवानी एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवाने एक अंतर से दीवाने एक प्रेम दीवाने एक अंतर से राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा ने मन में पाया राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद मीरा हाथ बिकाया एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक सूरत लुभाई एक मुदत लुभाई एक प्रेम दीवानी एक अंतर से दीवानी एक प्रेम दीवानी एक अंतर से दीवानी सतम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही
भजन ही गोपाल साधु जी का मैंने गाया था। नबजिया बैद क्या जाने, नबजिया कृष्ण भगवान की माता जी को लगा कि आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है, मेरे बेटे को हुआ क्या है। वैद्य से दिखाने लगी, डॉक्टर से दिखाने लगी, लेकिन भगवान कृष्ण को क्या था, उनको तो दिल की बीमारी थी। राधिका से प्रेम था, वो अपनी मैया से कहते कि हे मैया मुझे कौन सी बीमारी है आपको नहीं पता, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं। नबजिया बैद क्या जाने, मुझे राधा की बीमारी है। राधा रानी को बीमारी है। कृष्ण भगवान को प्रेम किससे था? राधिका जी से। राधा जी को प्रेम किससे था? कृष्ण भगवान से। ओ मुझे दिल की बीमारी है, राधा दिल की बीमारी है। आप जिस वैद्य के पास जा रही हो उसे नहीं पता वो कभी क्या बता रहा है। कभी कफ रोग चलते रहते, कभी कफ रोग बदलावे, कभी तासीर गर्मी की, को दिल से धन्यवाद। इनके पेज पे 8 मिलियन 10 मिलियन चला है। दिल से धन्यवाद। ऐ ना जाने अनाड़ी है, मुझे श्याम की बीमारी है। लेकिन अगर दीदार तो पन में कहते हैं कि मुझे अगर कोई एक बार राधा से मिलवा दे तो मेरी पूरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर दीदार को कोई मिल पाते कोई मुझसे, ओ ब्रह्मानंद गुणते जा और मैं बोलूंगा कि तोहरा खानी बाहर के हो। कृष्ण भगवान राधा से कहते कि तोहरा खानी बाहर के हो, कि हमरा मन के सिंगर के हो, तोहरा खानी बाहर के।
अगर दीदो और भजन उसके बाद अनुपमा जी के साथ।